तो आज हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स की क्या क्या हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हम लोग को क्या दिया हुआ है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया, 1.5। तो हमको सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो छह हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उसके वैल्यू पूछेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू हम लोग का क्या हो गया, 3/2। और हम क्या बोले थे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा कहीं पे दिया हुआ है, तो हम लोग एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। दैट मीन्स हम लोग का क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे हम लोग के, 1 हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। दैट मीन्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा हम लोग को क्या दिया हुआ है, 3/2। दैट मीन्स हम लोग का क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, दैट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3/2। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 2/3। ये किसका वैल्यू आ गया हम लोग का फ्रेंड्स, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का, ये किसका वैल्यू आ गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और ये जो हम लोग का इक्वेशन 1 दिया हुआ है। दैट मीन्स अगर हम लोग 1+2 करें तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 3/2, और हम लोग का सेक थीटा माइनस टेन थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, टेन थीटा और टेन थीटा हम लोग का क्या जाएगा, कट जाएगा, दैट मीन्स हम लोग का बच क्या जाएगा अगर इसको हम लोग ऐड करें तो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 sec थीटा इक्वल टू क्या होगा, 3/2 और प्लस 2/3, ठीक है फ्रेंड्स। तो दैट मीन्स अगर ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 2 से 3 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएंगे, 9, और ये क्या हो जाएंगे, 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग का यहाँ से सेक थीटा क्या हो गया, 13, और ये 6 और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, 12। तो सेक थीटा का वैल्यू हम लोग का क्या हो गया, 13/12, ठीक है फ्रेंड्स। और सेक थीटा हम लोग का होता है क्या, हाइपोटेनस बाई बेस। दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ क्या मान लेंगे, किसी भी जो हम लोग अभी तक पढ़े हुए हैं कि सेक थीटा ये है, तो हम लोग का कॉस थीटा क्या होता है, 1 sec थीटा होता है। कॉस थीटा क्या होता है, 1 क्या होता है, सेक थीटा। ये क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 sec थीटा। दैट मीन्स 1 ये क्या हो जाएगा, 13/12। दैट मीन्स हम लोग का ये क्या हो जाएगा, 12/13, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। ये हम लोग का सपोज दैट थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हम लोग का क्या है, 13। हाइपोटेनस क्या है, 13 है। बेस हम लोग का क्या है, 12 है। तो हम लोग परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग जो पाइथागोरस थ्योरम पर, एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169, और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144। दैट मीन्स ये हम लोग का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 25। दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। दैट मीन्स हम लोग का पी जो हो गया, ये क्या हो गया, 5। अब हमसे कुछ भी पूछे, जैसे पहला कि हम लोग को साइन थीटा पूछ देगा, ठीक है। तो साइन थीटा हम लोग का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 5/13। कॉस थीटा हम लोग फाइंड कर चुके हैं, कॉस थीटा क्या आ गया हम लोग का, 12/13। यहां से भी देखते हैं, ये क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, दैट मीन्स 12/13 हो जाएगा। टेन थीटा क्या होगा, हम लोग कॉस बाय साइन करेंगे, 13/13 कर जाएगा, 5/12। या यहां से भी हम लोग देखते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, टेन थीटा 5/12। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, कॉसेक थीटा, ये क्या होता है, 1/sin थीटा, मतलब 13/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13/5। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ से सेक थीटा फाइंड करें, सेक थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा, 13/12, 13 बाई क्या हो जाएगा,
12, और हम लोग का कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, 12/5। तो ये क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से हम कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर एक दिया हुआ है तो हम लोग पी बाई बी या एच, इसमें से कोई दो दिया है तो तीसरा निकाल लेंगे, और जब तीसरा हम लोग को पता चल जाएगा, दैट मीन्स गिवन पी बी और एच, इसमें से अगर हमको कोई भी दो दे दे, ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी दो दे दे, तो हम लोग तीसरा फाइंड कर सकते हैं। और जब हम लोग तीसरा फाइंड करेंगे तो ऑल जो टी आर हम लोग का टोटल 6 जो टी आर है, इसमें से हम लोग किसी का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर ये आपको पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना तो नहीं भूलिए। थैंक यू।